हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हैरी। मैं मेघा आपका अपने चैनल में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, नवजात शिशु 0 to 6 मंथ के जो बच्चे होते हैं तो माता पिता उनके उल्टी करने या फिर दूध निकालने से बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं। और जो पहली बार माता पिता बनते हैं वो बच्चे की इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, इसके पीछे के कारण को नहीं समझ पाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि बच्चा बार बार दूध पीने के बाद उल्टी क्यों कर देता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका बच्चा बहुत ही कम उल्टी करेगा। और उम्मीद करूंगी दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जब भी दूध पीता है दोस्तों, नवजात शिशु जब भी दूध पीता है तो कभी तो वो दूध की उल्टी कर देता है या फिर कभी कभी दूध को ही बाहर निकाल देता है। अगर ये दिन में 1-2 बार हो रहा है तो नॉर्मल है, लेकिन अगर बच्चा हर बार ऐसा कर देता है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और बहुत बार क्या होता है दोस्तों, बच्चा पूरा दूध नहीं निकालता है, केवल मुंह में जो उसके दूध रह जाता है या फिर गले में जो दूध थोड़ा सा अटक जाता है वो दूध ही बाहर निकालता है। और अगर आपका बच्चा फटा हुआ दूध बाहर निकाल रहा है, वो भी बहुत थोड़ी मात्रा में, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कहीं से कहीं तक भी बच्चे के तबीयत खराब होने का कोई भी लक्षण नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं उनकी, जो बच्चे दिन में 2 से 3 बार दूध की उल्टी कर देते हैं या दूध को ही बाहर निकाल देते हैं, तो उसके पीछे के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण, या फिर मैं कहूँ कि सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है कि जब भी आप बच्चे को दूध पिलाते हैं तो बच्चे के सर को थोड़ा सा ऊँचा रखिए। बच्चे का सर जब थोड़ा सा ऊँचा होता है तो बच्चे को एक तो दूध पीने में आसानी होती है, बच्चे के मुंह में एयर कम जाती है जिससे बच्चे को गैस कम बनती है, और तीसरा होता है कि बच्चा अच्छे से दूध पी पाता है और पेट भर के दूध पी पाता है, जिससे कि बच्चे को उल्टी आने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। दूसरी चीज़ है कि बच्चे को, छोटा बच्चा है, डकार जरूर दिलाएं। अगर आप डकार नहीं दिलाते हैं बच्चे को तो इससे बच्चे के पेट में दर्द होना, गैस बनना, दूध निकालने जैसी सारी समस्याएं होती हैं। बच्चों को अगर आप डकार दिला देते हैं तो जितनी भी गैस, एयर बबल बच्चे के पेट में चले जाते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, और जो दूध है बच्चा नीचे तक बच्चे के चला जाता है तो हजम हो जाता है, बच्चे दूध की उल्टी नहीं करता है। डकार दिलाने के लिए आप बच्चे को कंधे से लगाइए और हल्के हल्के से उसकी पीठ को सहलाइए। बच्चा 5 मिनट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में डकार ले लेगा, आपको पता चल जाएगा। फिर आप बच्चे को इजीली सुलाइए, आपका बच्चा कभी भी उल्टी नहीं करेगा। तीसरी चीज़ है कि अगर आपका बच्चे को दूध पीते पीते खांसी आ जाती है तो आप एकदम से दूध पिलाना बंद कर दीजिए, क्योंकि खांसी आने पर भी अगर बच्चा दूध पी रहा है तो हो सकता है कि बच्चा फिर सारा का सारा दूध बाहर निकाल दे। तो खांसी आने पर बच्चे को दूध मत पिलाइए, और बच्चे को थोड़ी देर कंधे से लगाकर थपथपाइए, जिससे कि जो एयर बबल है, बच्चे की जो खांसी की समस्या है, वो तुरंत ही ठीक हो जाए। नेक्स्ट है दोस्तों कि बच्चे को कभी भी ज़बरदस्ती दूध नहीं पिलाना चाहिए। पेट भरे होने पर भी बच्चे उल्टी कर देते हैं। कुछ पेरेंट्स को क्या आदत होती है कि अगर डॉक्टर ने कहा है कि बच्चे को 2 घंटे में दूध पिलाना है तो पेरेंट्स 1 से 1.5 घंटे बाद ही बच्चे को दूध पिलाने लगते हैं कि नवजात शिशु है, भूखा हो गया होगा। लेकिन इस बात के लिए मैंने डॉक्टर से भी एक बार कंसल्ट किया था कि एक बार डॉक्टर ने बताया था कि 50 to 60 ml बच्चे को दूध देना है और हर 2 घंटे में देना है या फिर 3 घंटे में देना है। तो हमने जब कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने बोला जितना आपका बच्चा दूध पी रहा है उसको पीने दीजिए, चाहे वो 70 ml पी रहा है, चाहे वो 50 ml पी रहा है, चाहे वो 90 ml। जितनी बच्चे को भूख होगी बच्चा दूध पिएगा। उसके बाद जितने घंटे बाद आपका बच्चा दूध मांग रहा है उतने घंटे बाद उसको दूध पिलाइए। ऐसा नहीं है कि कहीं भी लिखा हुआ है कि 1 से 1.5 घंटे में ही बच्चे को दूध पिला देना है। तो अगर आप अपने बच्चे को, पेट भरे हुआ है बच्चे का और तब आप बच्चे को दूध पिलाते हैं तो उससे भी आपका बच्चा उल्टी कर देता है, क्योंकि बच्चा अभी दूध को डाइजेस्ट कर ही रहा है। बच्चा दूध को अच्छे से अभी डाइजेस्ट कर भी नहीं पाया है और आपने बच्चे को दोबारा दूध पिला दिया, तो आपको ऐसा भी नहीं करना है। बहुत बार क्या होता है कि जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो बच्चे की नाक दब जाती है, इसलिए कहते हैं कि बच्चे को सही पोजीशन में और सही तरीके से सर ऊपर रखकर ही दूध पिलाना चाहिए। बच्चे की नाक दबने के कारण जब बच्चा मुंह से सांस लेता है तो पूरा का पूरा दूध बच्चा बाहर निकाल देता है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है जब भी आप बच्चे को दूध पिलाती हैं। दोस्तों, दूध पिलाते वक्त पोजीशन बहुत ज़्यादा मायने रखती है।
अगर आपकी पोजीशन ठीक नहीं होगी तो बच्चे को थोड़ी सी समस्याएं होंगी। इसलिए कहते हैं कि जब भी माँ लेटकर बच्चे को दूध पिलाती है तो बच्चे के सर को हल्का सा ऊंचा कर ले, जिससे कि बच्चे को दूध पिलाने में आसानी हो, और कोशिश करे कि बच्चे को ज़्यादातर बैठ कर ही दूध पिलाए, जिससे कि बच्चा सही से फील कर पाए और डकार आप बच्चे को जरूर दिलाएं। ऐसा आपको जरूर करना है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं और इन चीज़ों को ध्यान रखने से आपके बच्चे को दूध निकालने और उल्टी की समस्या में राहत मिल सकती है, तो मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप ये चीज़ें जरूर फॉलो करेंगे और आपके बच्चे को देखिएगा इनसे काफ़ी राहत भी महसूस होगी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और शेयर करना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मम्मी हेल्प। थैंक यू, नमस्कार।